85 साल का बुड्ढा, वो पापी बुड्ढा ने नहीं बनाया है, ये दाऊद इब्राहिम ने बनाया। दूसरा क्रिकेट, तीसरा बॉलीवुड। और आपने देखा कि अरनब गोस्वामी ने ये इसके दो पहलू जो है, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड, उसको उन्होंने उजागर किया और जिसके कारण उसके उसे बदला दिया जा रहा है। देखिए, जब जुल्म की हद हो जाती है तभी जो है पलटवार ऊपर की ताकतें करती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य सनातमानम् सिद्धाभिहम्। ठीक है, ये भारत के लोगों को आप चुनौती देंगे, आपको जवाब बहुत जल्द देवियों। और साथियों, सन 1965 में मेरे एक बड़े भाई साहब थे कैप्टन सृष्टि रवन बख्शी, 23 वर्ष की आयु थी। उस युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में एक M16 के धमाके से उनकी लाश के चिथड़े चिथड़े हो गए। उनके सिपाहियों ने 100-200 गज के इलाके में जाके जो टुकड़े उनको मिले इकट्ठा किया और उनकी आखिरी चिता वही जला दी फॉरवर्ड एरिया। हमारे घर पहुंचा था सिर्फ एक कलश। और जब वो सिपाही ने, मेरी माता को तो नहीं बताया, लेकिन जब मैं उसको अलग ले जाके पूछा क्या हुआ था तो उसने बताया। मैंने कहा अब तो मेरे को एक किस्म का भी एक रत्ती भर शक नहीं है कि मुझे कहां जाना है। मैं जाऊंगा बदला लेने, मैं जाऊंगा बगैर माँ बाप को बताए। 66 में ही, अगले वर्ष सितंबर 65 में हुआ था, उसी साल दिसंबर में मैंने अपना रिटर्न एग्जाम दिया, 67 में अपना इंटरव्यू दिया, 67 में मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में था। जब हम वहां से निकल रहे थे 1971 में कमीशन ऑफिसर बनके, तो 71 का युद्ध शुरू हुआ। पहली रात मैंने अपने कोर्स के कितने सारे ऑफिसर मरते देखे। और हमको सिखाया गया है फौज में कि जहां देश का सवाल है, जहां असूल का सवाल है, यू डोंट काउंट द कॉस्ट, तुम कीमत नहीं गिन सकते, यू कैनॉट काउंट द कॉस्ट। आज जो हुआ है वो ऐसी घिनौनी हरकत हुई है कि जिसका हमने प्रतिरोध नहीं किया तो हमारे प्रजातंत्र का अंत शुरू है। दैट इज गोइंग टू बी द ब्लडी एंड ऑफ योर डेमोक्रेसी। तमाशा बना के रख दिया है दुनिया के सामने, एक बनाना रिपब्लिक बना दिया है दुनिया के सामने। जो प्रवासी भारतीय अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, वो फोन उठा के पूछ रहे थे, यार जीडी ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, कौन है ये लोग जो हमारे प्रजातंत्र को रौंद रहे हैं। अरे साहब, 1975 में तो, अरे वो इंदिरा गांधी दिल्ली में राज कर रही थी, प्रधानमंत्री थी, ये तो साहब एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी कैसे लगा दी, एक डीजी पुलिस एक प्रांत का डिक्टेटर कैसे बन गया पूरे भारत वर्ष का, ये मैं जानना चाहती हूं। जब हम लड़ाई के मैदान में होते थे तो हमसे पूछते थे हमारे सीनियर अफसर, तुम क्यों मरने आए हो देश के लिए, बताओ, मालूम है तुमको, क्योंकि यह देश खास है, क्योंकि यह देश एक प्रजातंत्र है। अबे यह चीन का शी जिनपिंग का सड़ा हुआ चीन नहीं है जहां से कोविड की बीमारी आप और मेरे मुंह पे आई है, यह सड़ा हुआ चीन नहीं है जहां सिवाय ताली बजाने के और वाह 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 करने के जिस तरह की कोई खास लोग करते हैं और कोई काम नहीं है, जहां की प्रेस का काम है चाटुकारिता करना, जहां अगर 60 उनके जवान शहीद हो जाते हैं किसी की जरूरत नहीं होती मां बाप की कि वो सबके सामने रो दे, मेरा बेटा गया, रो भी नहीं सकते साहब वहां पे आप,
रोने के लायक भी नहीं छोड़ा है वहां की 1.3 अरब जनता को। एक तमाशा देश है, तमाशबीन हमारे पश्चिमी बॉर्डर, एक तमाशबीन देश है। वहां पे अगर कोई पत्रकार फौज के बरखिलाफ कुछ बोलता है उसे गायब कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद वो टॉर्चर के मार्क्स के साथ उसकी लाश किसी गली गलियारे में पटक दी जाती है जहां कुत्ते खाते हैं उसे, जहां कुत्ते खाते हैं, क्योंकि वहां के देशवासियों को कुत्ता बना दिया गया है, दुम हिलाने वाला कुत्ता। आप वो बनना चाहते हो? आप क्या बनना चाहते हो? हमारे प्रजातंत्र का कोई शरे आप गला घोट रहा है। वो कह रहा है साहब सिवाय तारीफ के अगर आपने कुछ कहने की जुर्रत करी गला घोट दूंगा। अभिव्यक्ति की आजादी हमारा बुनियादी असूल है। अगर कर्नल साहब और मैं लड़े हैं, और यहां पे मैं जनरल बाली साहब को भी देख रहा हूं, जनरल नीरज बाली, अगर वो लोग लड़े हैं, हम लड़ाई के मैदान में लड़े हैं, तो इसलिए कि ये एक खास देश है। हम अलग हैं इन चीनी हम अलग हैं इन पाकिस्तानी दरिंदों से। वी आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। ये हमें एनसीसी ने सिखाया। मैं कहना चाहता हूं कि आज एक असूल की लड़ाई है, आज एक बुनियादी लड़ाई है। किसी व्यक्ति विशेष से कहीं ऊपर, किसी चैनल और उसके टीआरपी से कहीं ऊपर, यह लड़ाई है आजादी की। इस देश को आजाद कराने के लिए एक सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, कोई कीमत नहीं गिरी थी उसने। टॉर्चर किया गया और बाद में टॉर्चर करके मार भी डाला गया, और जिन्होंने मरवाया उन्होंने राज किया इस देश पे। 60,000 की उनकी फौज थी, 26,000 जिसमें से शहीद हो गए ताकि आप और मैं आजाद हवा में सांस लें। आज हमारी ये जो आजादी है 47 से लेके अब तक 25,000 हमारे भारतीय फौजी सिपाही शहीद हो चुके हैं आपको आजाद रखने के लिए। अरे यार तुम बगैर लड़े अपनी आजादी दे दोगे? मेरा आज अर्नब को एक संदेश है, एक फौज के अफसर की हैसियत से। अर्नब, तुम्हारे पिता फौज में कर्नल थे, यू अंडरस्टैंड, योर फादर वाज अ कर्नल इन द आर्मी। फाइट माय बॉय, फाइट। तुम अकेले नहीं हो, तुम जितनी बहादुरी से लड़ोगे उतने ज्यादा लोग, उतनी ज्यादा आवाजें उठेंगी। अभी तो साहब ये शुरू हुआ है। यू थिंक यू हैव वन? तुम समझते हो तुम जीत गए? अरे साहब अभी तो संघर्ष शुरू हुआ है, क्योंकि अगर तुम्हारा सर इतने गुरूर से भारी हो गया है, तुम पटक के गिरोगे, तुम अपना सर फोड़ोगे, तुम भारत की जनता को चुनौती देगे ये सोच के कि वो गरीब है, कि उसका कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अरे तुमको तकलीफ होने वाली है, तुमको तकलीफ होने वाली है, क्योंकि तुमने हमारी इज्जत पे हाथ उठाया है, तुमने एक आम आदमी की इज्जत पे हाथ उठाया है, उसके वजूद पे हाथ उठाया है। कि साहब मैं क्या हूं, उसी की कदर है जो जुलू कैटेगरी में, जो जुलू कैटेगरी में जिसके आसपास ब्लैक कैट कमांडो घूमते हैं। अरे तो हम क्या है साहब, हम कुत्ते हैं, गली के कुत्ते, नाली के कीड़े, और क्या कहोगे? लेकिन सोच के कहना साहब, सोच के कहना, कहीं महंगा ना पड़ जाए, महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि आप ही आओगे दोनों हाथ बटोर के ऐसे, हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम नोट देंगे। तुम्हारे मुंह में डालो अपना नोट और लात पड़ेगी चोट, क्योंकि आप अगर भारत के लोगों को इतना इतना हीन, इतना डरपोक, इतना गिरा हुआ समझते हो तो यू हैव गॉट समथिंग कमिंग। आपको बड़ा भारी झटका लगने वाला है, ये झटका आने वाला है। मैं इसलिए आप सब से एक बार फिर मैं गुजारिश करता हूं कि साहब ये लड़ाई असूल की लड़ाई है। अर्नब तुम एक फौजी के बेटे हो, अर्नब यू फाइट, डैम इट यू फाइट, तुम संघर्ष करो।
आज एक फौजी के लिहाज से मेरी सारी भृगुटी तन गई है, क्योंकि मुझे लोग दिख रहे हैं जो समझते हैं कि हम किसी को भी डरा लेंगे, एक फौजी और एक फौजी के बेटे को भी। यू मेक अ मिस्टेक बॉय, यू मेकिंग अ थरो मिस्टेक, वी विल फाइट यू इफ यू ट्राई एंड डिस्ट्रॉय आवर कंट्री। अगर तुम हमारे देश, हमारे प्रजातंत्र, हमारी आज़ादियों, हमारे हकों को छीनने की कोशिश करोगे, ये मत समझना आवाज़ नहीं होगी, ये मत समझना एक गला दबा के, एक गला घोंट के तुम बच के निकल जाओगे। साहब, ये 1.3 अरब लोगों का देश है, कितने गले घोंटोगे? 1.3 अरब, ये आपकी काबिलियत के बाहर है साहब। आपको गुरूर नहीं चढ़ना चाहिए कि मेरा कुछ हो नहीं सकता। मैं मनमानी कर सकता हूँ, मैं न्याय का मजाक बना सकता हूँ, आई विल मेक द लॉ एन एस। ये साहब कुछ देर के लिए चल जाता है। यू कैन मेक अ फूल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन मेक अ फूल ऑफ ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन मेक अ फूल ऑफ सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। आप हमेशा के लिए तमाम भारत की 1.3 अरब जनता का बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे कुछ अधिकार हैं और हम इतनी आसानी से आपके चरणों में उन्हें डालने नहीं वाले कि साहब आपकी पूजा करेंगे, आप हमारा सर कुचलो, आप हमारे साथ कुछ भी करो, बहू बेटियों के साथ कुछ भी करो, हमारे पत्रकारों की ऐसी तैसी कर दो, हमारे न्यूज़पेपर फाड़ दो। सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया को आप फाड़ नहीं सकते। देवी और सज्जनों, आप जरा मेरे साथ एक संघर्ष का नारा लगाएं जो हम लड़ाई के मैदानों में लगाते थे। मैं देखना चाहता हूं इस 70 साल के बुढ़े में ज्यादा जोश है या आप में, जरा बोलिए मेरे साथ, क्योंकि अब लड़ाई का वक्त आ गया है। जय हिंद। आज जो सुबह के दृश्य हमने रिपब्लिक टीवी पर देखा, तो बिल्कुल हैरान करने वाली थी। हालांकि मुझे मालूम था कि एक बदले की भावना की तहत ये बहुत सारे कार्रवाई हो रही थी, लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं कर सका था कि एक हमारे हिंदुस्तान के एक जाने माने इतने बहादुर पत्रकार के साथ उनकी माता, उनकी पत्नी, उनके बेटे के साथ ये दुर्व्यवहार किया जाएगा। और सिर्फ किस लिए? तो वो ताकतें जिन्होंने 26/11 करने की कोशिश की थी, वो ताकतें जिन्होंने हिंदू टेरर, जिन्होंने जो हिंदू टेरर के रचयिता थे। और मैं आपको बता दूं, आज से नहीं, मैं हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति हूं जिसने 2010 में ही ये कहा था कि उस हिंदू टेरर की रचयिता ये विदेशी महिला है और उसका एक दलाल जो कि मध्य प्रदेश का पॉलिटिशियन है। अर्णब गोस्वामी हमेशा सच्चा। और ये जो आप वर्दी वाला जो आप देख रहे हो, ये पुलिस वाला, ये भी उसका रचयिता था। इसके साथ एक और पुलिस वाले थे जिनकी जान चली गई, उसको इस्तेमाल किया इन्होंने और उसको गोली मार दी। तो ये जो पुलिस वाला है, ये पुलिस वाला है, इसके संस्कार ये है कि अपनी माँ और बहन और बेटी में ये फर्क नहीं जाता है। जो आदमी एक साध्वी को प्रताड़ित कर सकता है, जो बदले की भावना से ग्रसित हो सकता है एक महिला की तरफ, वो अगर अर्णब गोस्वामी के साथ ये दुर्व्यवहार किया, तो उसमें क्या फर्क है? बाकी ये दाऊद नेटवर्क के लोग, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि दाऊद इब्राहिम 3 चीजें भारत में कंट्रोल करता है, और ये वो है महाराष्ट्र की राजनीति। ये जो सरकार जो बनी है महाराष्ट्र में, ये दाऊद के इशारे पे बनी। वो 85 साल का बुड्ढा, वो पापी बुड्ढा ने नहीं बनाया है, ये दाऊद इब्राहिम ने बनाया। दूसरा क्रिकेट, तीसरा बॉलीवुड। और आपने देखा कि अर्णब गोस्वामी ने ये इसके दो पहलू जो है, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड,
उसको उसने उन्होंने उजागर किया और जिसकी जिसके कारण उसके उनसे बदला दिया जा रहा है। तो ये जान ले। और ये कौन है ये पॉलिटिशियन? ये कोई बेबी पेंगुइन, कोई बड़ा पेंगुइन, कोई छोटा पेंगुइन? अरे ये रेड़ी वालों से पैसे लेने वाले की पृष्ठभूमि देख लेना। ये हमारे और आपके भी बच्चे हैं। एक 28 साल का छोकरा जिसके हाथ खून से रंगे हुए हो, वो आज कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है। क्या ये देश की राजनीति है? क्या वो तय करेगा कि कौन सलाखों के पीछे होगा? क्या वो तय करेगा? क्या हमारे और आपके बच्चे किसी लायक नहीं है? क्या इतने करोड़ों की संख्या में कोई 28 साल का और इस बड़े बिग पेंगुइन का उसको और कोई अपने नाक के नीचे जो उसका ये नालायक पुत्र है उसके अलावा इसको कोई नहीं दिखा? तो ये वो ताकते हैं, वो पापी बुद्धा जिसकी शक्ल के से पूरे संस्कार, जो भी संस्कार थे वो छीन गए हैं, ईश्वर ने छीन लिया है। और ये पापी पेंगुइन तो कृपया इसको इमरजेंसी फ्रीडम ऑफ प्रेस फोर्थ स्टेट इसको इतने अच्छे टर्म्स करके इनको इतनी भी इज्जत ना दे। ये रेड़ी वालों से पैसे लेने वाले लोग हैं, ये रेड़ी वालों से पैसे लेने वाले हैं। और आज अगर पूरा देश अर्णब गोस्वामी के साथ है, उनका नस नस पहचानता है और यही इनकी दुखती रग है। और इसीलिए इन्होंने जो कार्रवाई आज सुबह की है वो एक पूरे दाऊद इब्राहिम के पैटर्न पर इन्होंने की है।